अच्छी आमदीद। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10:30। आज कोई क्लास नहीं थी तो मैं थोड़ा लेट उठी, नमाज स्किप हो गई थी। और फर्स्टली मैंने ब्रेकफास्ट से पहले, एज यूजुअल आपको पता है, मैं पहले 200 स्टेयर वॉक, देन ब्रेकफास्ट, सॉरी अपना वाटर, बिकॉज हाँ अच्छा पता है इससे पर जो हमारे यहाँ गलती के लिए ना मतलब छोड़ दिए स्टेयर वॉक स्टार्ट। मेरा नाश्ता रेडी है बिल्कुल। आज मैं हाफ फ्राइड एग एंड ब्रेड ले रही हूँ। के 6 और ये चल रही है डिनर प्रिपरेशन। डिनर में क्या आलू चने की बिरयानी बन रही है। तो ये बिरयानी का पूरा प्रोसीजर या पूरा तो नहीं जितना भी रिकॉर्ड हो सका तो ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ साथ शाम की चाय भी चल रही है घर में, तो कंटिन्यू करते हैं मतलब जी। तो ये ब्राउन प्याज है, टमाटर है, ये मामा अभी ये सालन जो है बन रहा है बिरयानी का, तो वो जो मसाला है वो ऊपर से जब चावलों को दम देंगे उस वक्त डालेंगी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये मसाला रेडी हो रहा है। इसमें टमाटर और ये डाल दिया है मामा ने, सब कुछ रेडी है, बस ये थोड़ा सा देर और कुक होगा। ये आलू बॉईल हो रहे हैं अलग से सर्द के रंग में, और ये धनिया मामा धनिया पुदीना ऊपर से डालने के लिए तोड़ रही हैं। घर में आज जैसे मैंने बताया आपको बन रही थी बिरयानी या अच्छा थोड़ा सा क्राउड वो साउंड का इशू होगा क्योंकि बराबर में शादी हो रही है और वहाँ से कार्ड भी आया है तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है बाहर शोर। मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। अच्छा तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ यार एज मैंने आपको बताया मैं ना डाइट पर हूँ, तो ये भाई का गिटार रखा हुआ है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सीखा नहीं भाई ने। अच्छा तो मैं बताई थी कि ये जो मतलब गिटार रखा हुआ है, सॉरी बिरयानी मैं नहीं खा सकती यार, और ऐसे सिचुएशन में ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब डाइट पे हूँ ना और बिरयानी बन रही हो, या ये देसी हमारी ब्राउन फैमिलीज़ का यही कि आपकी फैमिली में लोग ना डाइट नहीं कर सकते, लाइक इतने मज़े मज़े के खाने बनते हैं कि मुश्किल हो जाता है डाइट करना। बड़ी मैंने ना पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल दिखा के वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी फेवरेट इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी दैट यू कैंट इमेजिन। चावल दम चावल बॉईल होने रखे हैं पे, इसके बाद जब ये 3 कनी शायद हो जाएंगे तो इसकी लेयर्स लगाएंगे। और ये बिरयानी मसाला रेडी हो रहा है करी मतलब, जिसके साथ बिरयानी को फिर हम दम लगाएंगे। इस हम बिरयानी का फाइनल प्रोसीजर मतलब फ़ाइनल स्टेप्स हैं। रिमशा बना रही हैं सलाद और ये है वो लेयर जो मतलब पहले हमारा मसाला करी डलेगी, उसके बाद हम ये जो मसाला प्रिपेयर, इसमें टमाटर हैं, तली हुई प्याज है, धनिया है, पुदीना है, ये है, और ये हमारे बॉइल्ड राइस हैं। उसके बाद हम फिर बॉइल्ड राइस डालेंगे। चलें मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ चल के। ये देखें सबसे पहले हमने लेयर लगाई है ये मसाले की, अब हम इस पर जो हमने वो टमाटर तली हुई प्याज और वो चीज़ें डाली हैं ना उसके लिए ये मसाला दूसरी देखी मैं। ये देखें अब ये मामा डाल रही हैं टमाटर धनिया, वो जो मसाला हमने बनाया यार बिलीव मी, ये जो बॉइल्ड राइस की खुशबू होती है ना मेरी बहुत फेवरेट है, ये जो बिरयानी के स्पेशली मसाला और ये जो राइस होते हैं करती हैं। देखें मामा ने डाल दिए हैं चावल, इसके बाद एक और हम मसाले की लेयर लगाएंगे, फिर चावल एंड फाइनली मसाला। और ये देखें ये जो लास्टली हमारे पास मसाला बचा है मामा वो डाल रही हैं। ठीक है मामा चावलों की लेयर लगा रही हैं। देखिए कितना अच्छा चावल बॉईल हुआ है, एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है। मामा इसको स्प्रेड कर रही हैं मतलब फैला रही हैं चारों तरफ चावलों को। फिर अगेन अब ये हम मसाला लेंगी मामा, मसाले की लेयर इस पर लगा रही हैं। सो ये जो जितना भी मसाला था वो मामा इस पर शिफ्ट कर रही हैं। 12 राइस जो हम लोगों के हैं बचे हुए मामा वो लेयर लगा दी हैं। ये फाइनल लेयर है, इसके बाद ये मामा ने स्प्रेड कर दिया है। और ये लास्ट जो हमारे पास राइस बचे थे ना बॉइल्ड, ये वो हमने इसमें डाल दिए। ठीक है अच्छा मैं आपको बताई थी मैं पता क्या करती हूँ, हम लोग ना मसाला देगची में, जैसे ये अभी मैं दिखाती हूँ, ये देगची में एंड में जो रह जाता है ना
तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े से ना बॉइल्ड राइस मिला के, मैं और इमशा ना खाते हैं, हमें इसका टेस्ट बहुत पसंद है, जो बिरयानी के मसाले में मिक्स करके तो चावल होते हैं ना, हम लोगों के बहुत फेवरेट है जी। तो ये मामा चावलों को दम पे रख रही हैं, इस पे ऊपर से जर्दे का रंग डाला, इस पे ऊपर से मामा ने जर्दे का रंग डाला है, इसको दम पे रख दिया है, तो ये अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। तो अभी होमवर्क वगैरह का टीचर ज़्यादा देगी या कम है, कैसा देगी? नहीं मतलब हर हफ्ते एक सब्जेक्ट का प्लानर मिलता है, एक दिन में एक सब्जेक्ट हो रहा है। तुम बिरयानी खा रही हो, मुझे दिख रहा है कुछ और ब्लॉग क्या तुम्हें पता है और यार दोबारा डाइट छोड़ दी, व्लॉग भी बन रहा है आज। अरुमा आई गई यार, ये बहुत स्पेशल है, हमारी पर इतनी स्पेशल भी नहीं है, खुद बनती है स्पेशल। अच्छा, और ये उस वक्त नहीं खाई, अभी अकेले रूम में बैठ के खा रही हूँ। कहने को तो डाइट चल रही है, आप लोग को भी व्लॉग में बहुत ज़्यादा आदत हो गई कि मैं आज डाइट हूँ, एक्सरसाइज वॉक ये सब चल रही होती है, बट साथ में आप ये देख सकते हैं कि बिरयानी खाई जा रही है। कौन सी डाइट है मुझे खुद नहीं पता, वही जो बिरयानी बनती है आई कैन नॉट रिजिस्ट, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे बात चल रही है पेपर्स के, एग्जाम्स के, बच्चों के 10 हो रहे हैं और हम बातें चल रही हैं, मामी मम्मा रूमा रूमा कुछ कहना चाह रही है। तो गाइस हम लोग आज हम लोग रात में चैलेंज करेंगे, क्योंकि मैं रुक रही हूँ, हम लोगों ने प्लान किए हैं थोड़ी सी चीज़ें, बता दो अभी नहीं, जब चैलेंज आएगा हम आपको तभी बताएंगे। गाइस मेरी चल रही है वॉक, क्या तो अरुमा की मैं मेहंदी लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में, एक पनिश रखे हम चैलेंज की, क्योंकि तो चैलेंज में हारेगा, जैसे मैं हारी तो आप मेरे लगाना, अगर आप हारे तो मैं आपका हाथ खराब करूँगी। क्या तुम हारी तो तुम मेरे लगाओगी? मतलब तो? हारो भी तुम और सदा भी मुझे नहीं, तुम हारी सारी सारी गलती, अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारे लगाऊंगी, अगर मैं हारी तो तुम मेरे लगाना। नहीं ये तो तुम्हारी सजा तो नहीं होगी मेहंदी, क्योंकि मैं अच्छी लगाती हूँ मेहंदी, मतलब आप लोग बहू के सामने ऐसे बोलिए जैसे मैं बहुत बुरी मेहंदी लगा रही हूँ। एलमंड ऑयल बादाम का तेल, मीठे बादाम का, मीठे बादाम का लिए। आज का व्लॉग फिर हम यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।